अभी अगले दिनों इंडिया से एक वीडियो आई है, वहां पे एक काबा बनाया हुआ जाली उन्होंने। ये सरकार की बारगाह है, ये काबा जैसे गिलाफ पे काबा में चढ़ा हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे भी चढ़ा हुआ है। जी मोहम्मद लाहौरी यहाँ तशरीफ लाए, यहाँ हाथी लगाया, हक के लिए रवाना हो रहे थे तो यहाँ आ गए। जब हल का वक्त निकल गया तो आकर से कहने लगे कि अब तो हर हक वक्त निकल गया, रोने लगे। तो आपने फरमाया कि मेरे साथ चक्कर लगा लो, मेरे साथ चक्कर लगा लो। शेख मोहम्मद लाहौरी ने साथ चक्कर लगाए तो कह रहे हैं कि मैं काबे में घूम रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि मैं काबे में घूम रहा हूँ। वैसे दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे काबे के मॉडल है वो हाजियों को ट्रेनिंग देने के लिए, ईरान में भी वो करवाते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया में भी, वो चीज अलग है। ये मॉडल जो है वो ट्रेनिंग वाला मॉडल नहीं है, ये उन्होंने ओरिजिनल काबा बनाया हुआ है पूरा, उसके ऊपर गिलास चढ़ा हुआ है और बकायदा उसके मुतवल्ली का इंटरव्यू है, उससे जाके पूछा कि जनाब ये क्या है। उसने ये नहीं कहा हाजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने कहा यहाँ एक बुजुर्ग थे, ठीक है, तो उनका कोई मुरीद था, उसने जाना था हाज के ऊपर, वो उसकी सवारी छूट गई तो यहाँ आया, वो बड़ा गमगीन था, तो उन्होंने कहा तू मेरी चारपाई के साथ फेरे काट दे तो तेरा हाजिरी हो जाएगा। हाँ जी कहते हैं नीने साहब हो सकता है, सरकार शुक्र करो हजरत उमर नहीं जिंदा, मैं तो सिर्फ जुबान से कहता हूं, हजरत उमर ने तो बुलडोजर चलाने थे तुम्हारे इन सारी चीजों के ऊपर, कोई लिहाज नहीं करना था, चुप के परे मारना सी, तमाशा लगाया था।